हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो नंबर्स दे रखे हैं इन्हें हमें नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो देखिए ये प्लस में है, सबसे पहले तो हमने बना ली एक नंबर लाइन, ठीक है। और यहाँ से प्लस में तो हम जीरो से ही शुरू करते हैं, जीरो और नीचे वाले को रिपीट करेंगे, ठीक। तो हो जाएगा 1/4, फिर हो जाएगा 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 कट के क्या हो जाता है 1, तो मतलब यहाँ आएगा 1, ये हमारा 0 है, ठीक है। फिर आ जाएगा 4/4 के बाद आएगा 5/4, और फिर आ जाएगा 6/4, फिर आ जाएगा 7/4, फिर आ जाएगा 8/4। तो नीचे वाला हम बार 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 चलाएंगे और 1, 2, 3, 4 ऊपर ऐसे सीरियल से चलते आएगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए था 7/4, तो वो हमें यहाँ मिला है इस जगह पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ है माइनस में, पहले तो आप नंबर लाइन बना लीजिए, इस तरफ एक लाइन बना ली। अब हमें माइनस में ना, तो हम यहाँ जीरो लिख देते हैं, जीरो, क्योंकि हमें पीछे आना है माइनस में। तो यहाँ 6 रिपीट करेंगे हम, तो हो जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6, और 6/6 कट के क्या जाएगा 1 आ जाएगा माइनस का। और हमें जो चाहिए -5/6 से वो ये रहा, इसे डार्क कर दिया और इस पे लिख दिया कि यही हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही करेंगे हम, है ना। नीचे यहां पर है 11, तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं, और देखिए सारे माइनस में ही है, तो यहाँ से हम जीरो कर लेते हैं, जीरो, ये हो जाएगा -1/11, माइनस का 2/11, फिर -3/11, ऐसे ही -3 का -4/11, माइनस का 5/11, ठीक है, ये हो जाएगा -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, ठीक, -10/11, -11/11, ठीक है, -11/11 जो हो जाएगा -1। अब देखिए मैंने इसे छोड़ दिया, आप चाहे तो पूरा लिख ले, -5, -6/11, -7/11, -8/11, -9, -10/11, ऐसे हो जाएगा। यहाँ 3 के बाद -4/11, और इस तरह से जो हमारे सारे नंबर्स थे वो तो हमने लिख लिए। अब हमें चाहिए है -2, तो ये आ जाएगा -2/11, ठीक है, यहाँ -2/11 ये एक आंसर है। -5 ये यहाँ पर कर दीजिए, -5/11 यहाँ मिल रहा है, और -9/11 यहाँ मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, नंबर लाइन बन गई। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो कह रहे हैं 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर्स लिखिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए ऐसे समझे कि ये है हमारा 2, तो 2 से पहले 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 से पहले 1 होगा तो वो छोटा ही होगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, जितने चाहे उतने हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ये इस तरफ में जाएंगे तो स्मॉलर नंबर हो जाएंगे, स्मॉलर देन 2 इस तरफ में जाने पर हमें नंबर्स मिल रहे हैं। लेकिन अभी ये रेशनल नंबर्स नहीं है, कारण ये कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम सबके नीचे 1 ही लिख देंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लिख दिए मैंने,
आपको सिर्फ पांच चाहिए, कोई से भी पांच, टू से पहले के कोई से भी नंबर लिख के नीचे वन लिख दीजिए, टू लिख दीजिए, कुछ भी कीजिए, तो वो सब इससे छोटे हो जाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे फाइव रेशनल नंबर, नंबर्स स्मॉलर देन, स्मॉलर देन टू, है ना, आर, और ये सारे नंबर्स हो गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने का। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।